एनएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दो दिनों बाद मिली लापता चौकीदार की लाश, एसटी को 2,30,00,000 की श्रद्धि, छोटे बड़े सभी को मोबाइल की लत। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। विगत 9 दिसंबर से लापता खेत का चौकीदार की लाश रविवार को खेत के कुएं से मिली है, जिसके चलते हत्या का संदेह भी व्यक्त किया जा रहा है। धारनी पुलिस ने शव को बाहर निकालकर पंचनामा किया। शव का पोस्टमार्टम घटनास्थल पर ही करने के बाद परिजनों को सौंपा गया। मृतक फुलसिंह 36 सिंह भौरे है। फुलसिंह धारनी के जावेद खान जहांगीर खान के खेत में चौकीदारी कर खेत में ही एक झोपड़ी में पत्नी व 4 बेटियों के साथ रहता था। इस दरमियान मृतक की पत्नी बच्चों के साथ ससुराल मझगांव गई थी। 9 दिसंबर को वह अकेला ही था। उसने धारनी बाजार से मछलियां खरीदकर दूसरे चौकीदार को पकाने दी थी। उसके बाद से वह गायब था। उसकी तलाश की गई, लेकिन वह नहीं मिला। अंत रविवार को उसकी लाश कुएं के पानी में तैरती पाई गई। अगली खबर। लगातार 45 दिनों से एसटी महामंडल के कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। इस कारण यात्रियों को परेशानी होने के साथ ही डिपो को भी आर्थिक नुकसान हो रहा है। हड़ताल के दिनों में आरवी डिपो को करीब 2,30,00,000 रुपए का नुकसान हुआ है। फिलहाल अब तक 54 कर्मचारी काम पर लौटे हैं। इसमें 25 चालक वाहन व 29 कार्यालयीन कर्मचारियों का समावेश है। पुलगांव आष्टी खरांगना की ओर से 22 फेरियां पुलिस बंदोबस्त में लग रही है। एसटी महामंडल को प्रतिदिन 13,000 रुपए किराए के तौर पर प्राप्त हो रहे हैं। हड़ताल पूर्व प्रतिदिन करीब 5,20,000 की आय महामंडल को होती थी। अगली खबर। 21वीं सदी में देश विज्ञान के माध्यम से तेजी के साथ प्रगति कर रहा है। विज्ञान की मदद से कई आश्चर्यजनक खोज की गई है। इसे छोटे से लेकर बुजुर्गों तक इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चे भी स्मार्टफोन के आदि होते दिखाई दे रहे हैं। मोबाइल शुरू में महंगा था, इसलिए कई लोग इसका इस्तेमाल करने से बचते रहे, किंतु अब सब इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। बाजार में आ रहे नए नए मोबाइल के साथ सिम कार्ड भी बहुतायत में उपलब्ध है। समय के मुताबिक मोबाइल बदल गए हैं। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।